एकता लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसाजों की कढ़ी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए उसके लिए सबसे पहले आधा किलो दही, एक कटोरी बेसन, तड़के के लिए हींग, लाल मिर्च, दो तेज पत्ता, दो लाल मिर्च और कुछ करी के पत्ते, कटी हुई तीन हरी मिर्च, राई के दाने, गार्निश के लिए धनिया पत्ती। अब हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। इसके लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। और इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालते हैं। सबसे पहले इसमें हींग डालते हैं, तेज पत्ता और मिर्च, हरी मिर्च और राई के दाने। जब तक राई के दाने तड़क रहे हैं तब तक इसमें बेसन डाल के दही में अच्छी तरह फेंट लेते हैं। इसको फेंटते हैं तब तक जब तक इसके लम्स ना ख़त्म हो जाएं। ज़रूरत के अनुसार पानी डालते हैं। बिल्कुल पतला घोल तैयार करते हैं। इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। तरी के पत्ते डाल के उसमें घोल डाल देते हैं। जरूरत के अनुसार पानी डालते हैं। और लाल मिर्च डालते हैं। सॉरी दोस्तों, हम इसमें हल्दी डालना भूल गए थे, आपको बताना भूल गए थे। बाद में भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 टेबल स्पून हल्दी डाल देते हैं। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे, अगर छोड़ देंगे तो फटने का डर रहता है। जब ये खौलने लगेगी बाद में टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अभी इसको लगातार चलाना है जब तक ये खौलने ना लगे। गाढ़ी पतली जैसी हो उस तरह थोड़ा सा पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कढ़ी को खोलने में कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। जितने अच्छे से खोलेगी उतनी अच्छी सौंधी सौंधी महक आती है। अब इसको हम 10 मिनट खोलने देंगे। इसको खोलते हुए देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और इसको फुल आंच पे अब खोलाना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं और
और इसको 10 मिनट और खोलने देते हैं। इस तरह कढ़ी को टोटल खोलने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट बाद इसमें हम रसाजे डालेंगे और ऊपर से धनिया पत्ती डालेंगे। इसको खोलते हुए हमें लगभग आधा घंटा हो चुका है। ये अच्छी तरह खोल चुकी है। अब इसी खोलती हुई कढ़ी में हम ये रसाजे डाल देंगे। और 2 मिनट इसको अच्छी तरह हिला देते हैं। थोड़ी धनिया पत्ती डाल देते हैं। और बस हमारी रसाजों की कढ़ी रेडी है। इसको सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं और ऊपर से धनिया पत्ती डालते हैं और हमारी स्विस्ट रसाजों की कढ़ी तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई रेसिपी के लिए कमेंट जरूर।